नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा 30 जुलाई को। झारखंड में सहायक अध्यापक पारा शिक्षक की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। परीक्षा में वैसे प्रशिक्षित पारा शिक्षक शामिल होंगे जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल नहीं है। बता दें, परीक्षा में सफल शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं प्रवेश पत्र 20 जुलाई से शिक्षक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित अंक में बदलाव भी किया गया है। अब राज्य में लगभग 47,000 पारा शिक्षक झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। इनमें से 43,000 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। बता दें, पहले यह परीक्षा 250 अंक की होनी थी, अब परीक्षा 150 अंक की होगी। कक्षा 1 से 5 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान, मानसिक दक्षता और रीजनिंग की परीक्षा ली जाएगी। वहीं जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा 30-30 अंकों की होगी। झारखंड में मानसून कमजोर, सामान्य से 72% कम हुई बारिश। झारखंड में मानसून की कमजोर चाल किसानों को परेशान कर सकता है। बता दें, जून महीने में 72% कम बारिश हुई है। वहीं रांची मौसम केंद्र ने अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। बता दें, पहले ही झारखंड में देर से दस्तक देने वाला मानसून अभी तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि झारखंड में जून महीने में सामान्य से 72% कम बारिश हुई है। 1 जून से 24 जून तक राज्य में 132.2 मिलीमीटर बारिश की जगह महज 36.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस दौरान सामान्य वर्षा का आंकड़ा 132 मिलीमीटर का है। मौसम केंद्र रांची के आंकड़े के अनुसार राज्य के लोहरदगा, गढ़वा और दुमका में वज्रपात की कमी -20% से -59% है। वहीं रांची सहित अन्य 21 जिलों में -60% से अधिक कम बारिश हुई है। वैष्णो देवी और उत्तर भारत दर्शन IRCTC के पैकेज का रांची बोकारो के लोग ले सकेंगे आनंद। वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन के लिए भारत गौरव ट्रेन झारखंड के कुछ स्टेशनों से गुजरेगी। बता दें, 10 रात और 11 दिन की गौरव यात्रा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति IRCTCTourism.com पर अपना टिकट बुकिंग करा सकेंगे। यह जानकारी IRCTC के एरिया मैनेजर प्रवीण शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त को यह ट्रेन कोलकाता से खुलेगी, जो हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, ताजमहल, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या होकर वापस 21 अगस्त को लौटेगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 33% रियायत दर पर टिकट उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान IRCTC के चीफ सुपरवाइजर मुकेश प्रसाद तथा कैटरिंग असिस्टेंट मंटू कुमार मौजूद थे। लोक संवाद कार्यक्रम में बोले राज्यपाल, बदल रही महिलाओं की जिंदगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शनिवार को गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी स्थित फुटबॉल मैदान में लोक संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा है कि उन्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका। इस संदर्भ में संवाद के क्रम में जब एक महिला ने बताया कि कच्चा घर से पक्का मकान मिल जाने से बहुत खुशी हो रही है और अब मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ती। राज्यपाल ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बेघर का अपना एक घर हो। सिर्फ घर ही नहीं, घर के साथ साथ उन्हें पेयजल भी उपलब्ध हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नल जल योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक घर में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए लगातार कार्य भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आवास एवं पेयजल आपूर्ति के साथ साथ निर्बाध बिजली, अच्छी सड़क, बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। ट्रेनिंग पूरी कर लौटे प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को 5 दिनों का अवकाश। ट्रेनिंग पूरी कर लौटे प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को 5 दिनों का अवकाश मिलेगा। इसको लेकर IG ट्रेनिंग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड पुलिस मेंस ने बीते 19 जून को राज्य में PTC और SPC प्रशिक्षण पूरी किए प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को 5 दिनों का अनुमानित अवकाश स्वीकृति करने का अनुरोध किया है। पश्चिमी सिंहभूम में शिविर लगाकर दिव्यांगों का बनेगा UDID कार्ड। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत पात्रताधारी दिव्यांग जनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा UDID उपलब्ध कराने हेतु जिला उपायुक्त अनयन मित्तल के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 26 जून से शिविर लगाया जाएगा।
सर्वप्रथम 26 जून को टोटो प्रखंड में शिविर का आयोजन होगा, इसके बाद 28 जून को खुटपानी, 1 जुलाई को कुमारडोंगी, 3 जुलाई को चक्रधरपुर, 4 जुलाई को बंदगावा, 5 जुलाई को सोनवा, 8 जुलाई को तातनगर, 11 जुलाई को जगन्नाथपुर, 12 जुलाई को मझगावा, 13 जुलाई को गोइलकेरा, 14 जुलाई को सदर अस्पताल चाईबासा नेत्र विभाग, वहीं 15 जुलाई को मांझारी और 18 जुलाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवामुंडी एवं 20 जुलाई को झीकपानी में कार्यक्रम होंगे। डुमरी उपचुनाव को लेकर 4 जुलाई को झामो कर सकती है घोषणा। 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। झामो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण तथा जिला अध्यक्ष व जिला सचिव भी बैठक में रहेंगे। बताया गया है कि इसी बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। पार्टी इसी दिन प्रत्याशी भी तय कर लेगी और संभवतः शिबू सोरेन इसकी घोषणा करेंगे। मालूम हो कि डुमरी विधानसभा सीट मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली है, यहाँ उपचुनाव होना है। पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और पुत्र शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की थी। रांची पटना वंदे भारत के लिए टिकट बुकिंग शुरू। रांची पटना वंदे भारत का उद्घाटन 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बता दें 28 जून से आम लोगों के सफर के लिए इस ट्रेन में टिकट मिलने लगेगी। इसके लिए अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं तो जल्द ही टिकट बुक करा ले। बता दें रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टिकट मिलने लगा है। IRCTC ऐप के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक रांची से पटना के बीच चेयर कार के लिए 1175 रुपये लगेंगे और इकोनॉमिक क्लास के लिए 2110 रुपये देने होंगे। वहीं रांची से पटना के बीच चेयर कार के लिए कुल 411 सीटों की बुकिंग होगी। वहीं इकोनॉमिक क्लास के लिए 37 सीट बुक के लिए रखे गए हैं। राज्यपाल पहुंचे देवघर, बोले MSME से बढ़ेगा रोजगार के अवसर। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शनिवार को देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर प्रखंड के ठाडियारा पंचायत भवन में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि हर जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा दिए जाने के लिए लोगों को रोजगार के नव अवसर उपलब्ध होंगे, उनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि माताओं बहनों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन दिया गया। इस योजना से भारत की 95% आबादी आच्छादित हो चुकी है और प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नल जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति की जा रही है। गैस सुलभ होने एवं जल की व्यवस्था होने के कारण माँ बहनों द्वारा खाना बनाना आसान हो रहा है। सिपाही हत्याकांड का खुलासा, पत्नी ने ही कराई थी प्रेमी से हत्या। रामगढ़ के उरीमारी ओपी में पदस्थापित सिपाही पंकज कुमार दास की शुक्रवार की रात 10:15 बजे सायाल 10 नंबर खदान पर हत्या कर दी गई थी। सिपाही अपनी ड्यूटी खत्म होने पर अपने घर पतरातू के सांकू लौट रहा था। बता दें महज कुछ ही घंटों में रामगढ़ पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर लिया। इस मामले के उद्भेदन के लिए पतरातू के SDPO डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था। गुमला में बारिश की स्थिति चिंताजनक। मानसून के आगमन के साथ ही खेतीबाड़ी की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। हालांकि अभी तक खेतीबाड़ी लायक पर्याप्त बारिश नहीं हो सकी। खेतीबाड़ी के लिए पूरे जून माह में लगभग 205 मिलीमीटर सामान्य वर्षपात की जरूरत होती है, जिसके विरुद्ध 1 जून से 24 जून तक लगभग 45 मिलीमीटर ही वर्षा हो सकी है, जो चिंताजनक है। हालांकि जून माह गुजरने में अभी कुछ दिन शेष है, तब तक और भी बारिश हो सकती है, परंतु पिछले 3-4 दिनों में जितनी बारिश हुई है उससे खेती की मिट्टी हल्की नम हुई है, जिसका आकलन करते हुए कई जगहों पर किसान खेती की जुताई कर रहे हैं। कोई गाय बैल तो कोई किसान ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों की जुताई कर रहे हैं। देवघर निगम क्षेत्र में अब फोन पर सुनी जाएगी लोगों की समस्याएं। देवघर नगर निगम के लोगों को अब अपनी शिकायतों के लिए बार बार कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निगम क्षेत्र की समस्याओं का ऑन स्पॉट निराकरण होगा। इसके लिए निगम के सभी 36 वार्डों को 4 जोन में बांटकर 4 प्रभारी बनाए गए हैं। सभी के नाम और संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। बता दें नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने इसे लेकर बैठक कर प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कई बार लोगों को अपनी समस्या बताने के लिए निगम के विभिन्न कमरों में भटकता देखा गया, जिससे वह परेशान हो जाते हैं। लोगों की शिकायतों को ऑन स्पॉट निराकरण करने को कहा गया है।
नकली शराब पैकिंग की सामग्री ले जाते 3 गिरफ्तार। झारखंड के चाईबासा में नकली शराब पैक करने के लिए ले जा रहे बड़े ब्रांड के खाली बोतल, लेबल, कैप आदि सामग्री भारी मात्रा में उत्पाद विभाग ने बरामद किया है। साथ ही संलिप्त 3 व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति ने कहा कि उत्पाद अधीक्षक दीक्षित मिंज को गुप्त सूचना मिली थी कि मंजारी प्रखंड के चिड़िया पहाड़ी गांव से भारी मात्रा में अवैध रूप से मिनी फैक्ट्री से बड़े ब्रांड की शराब को पैक कर बाजार में चलाने के लिए खाली बोतल, किंग गोल्ड का लेबल, 3 कंपनी का कैप आदि टेम्पो में लोड कर चाईबासा की ओर लाया जा रहा है। कोडरमा के अबरक व्यवसायी की हत्या। झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के कोठियार पंचायत के अंतर्गत पिपरा कोनी हदहदवा नदी से शनिवार को सतगावा पुलिस द्वारा शव बरामद किया गया। इसकी शिनाख्त रजौली थाना क्षेत्र के चटकरी निवासी 35 वर्षीय बसंत राजवंशी के रूप में हुई है। बसंत की पत्नी फूलमणि देवी ने 21 जून को रजौली थाना में पति के अपहरण को लेकर शिकायत की थी। अब कोठियार पंचायत के ग्रामीणों ने शनिवार को पिपरा कोनी हदहदवा नदी में शव पड़ा देखा। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया है। वीरेंद्र राम की काली कमाई के रजदार रहे 2 हवाला कारोबारी गिरफ्तार। निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। रांची और दिल्ली में ईडी की कार्रवाई में ये दोनों दबोचे गए। बता दें वीरेंद्र राम के 2 सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया हवाला कारोबारी हैं। ईडी के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए ग्रामीण कार्य विकास विभाग व ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 2 सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे आदिवासी संगठन। झारखंड के आदिवासी संगठन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। समान नागरिक संहिता को लेकर चल रही कवायद के मद्देनजर आदिवासी संगठन रविवार को बैठक कर अपनी रणनीति तय करेंगे। बता दें इन दिनों समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जोर शोर से चर्चा चल रही है। इसका मतलब है कि एक ऐसा सेकुलर कानून जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके मुताबिक अलग अलग पंथ के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होना चाहिए। इस पर 22वें विधि आयोग ने आम जनता, सार्वजनिक संस्थानों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों की राय मांगी है। इसके लिए 14 जुलाई तक का समय दिया गया। एक पक्ष की दलील है कि इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं धर्म के आधार पर भेदभाव रुकेगा, कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस के लिए चुनौती बने 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची पुलिस ने शनिवार को 2 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनकी संलिप्तता रांची और आसपास के इलाके में हुई कई लूट की घटनाओं में बताई जा रही है। पुलिस के लिए चुनौती बन चुके 2 शातिर अपराधियों को आखिरकार कांके के संग्रामपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में सरफराज और मोहम्मद अबरार शामिल हैं। दोनों रांची के शातिर अपराधी मोहम्मद सलमान के गिरोह के सदस्य हैं। बता दें पिछले महीने रांची के कांके में 9 विवाहित के गहने की छिनताई, बैंक से पैसे निकाल कर घर जा रहे व्यक्ति से 4 लाख की लूट के साथ साथ रांची के लालपुर, बरियातू, जगन्नाथपुर, चानो और पिठोरिया थाना क्षेत्र में हुए आधा दर्जन लूट कांडों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अंकिता हत्याकांड में परिजनों की सहायता के बारे में कोर्ट ने ली जानकारी। नाबालिग छात्रा अंकिता हत्याकांड में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद चंद की खंडपीठ ने न्याय मित्र रमित सत्येंद्र से जानकारी मांगी। अदालत ने पूछा है कि अंकिता के परिजनों को सरकार की ओर से क्या क्या सहायता प्रदान की गई। न्याय मित्र ने कहा है कि पीड़ित परिवार को अब तक राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। बता दें पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि देवघर एम्स में 1 वार्ड का कब तक स्थापित हो जाएगा। टी शर्ट घोटाले मामले में कोर्ट ने मांगी अद्यतन जानकारी। झारखंड हाई कोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर टी शर्ट घोटाले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से अद्यतन जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। इस संबंध में पंकज कुमार यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के पहले 13 और 14 नवंबर को स्कूली बच्चों को देने के लिए 3.5 करोड़ की टी शर्ट खरीदी गई थी।
वहीं 15 नवंबर को राज्य के 10,000 स्कूलों में बच्चों के बीच इसका वितरण कर दिया गया। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि एक दिन में ऐसा करना संभव नहीं है। अदालत ने मामले में अद्यतन जानकारी मांगी है। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन से झारखंड का होगा विकास। किसानों की आय में वृद्धि के लिए सिर्फ धान की खेती पर निर्भरता छोड़नी होगी। इसके अलावा बागवानी व अन्य फलों की खेती पर ध्यान देना ही कृषि क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है और किसानों को समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी विकास की जरूरत है। अभी प्रदेश के एक भी विश्वविद्यालय देश के टॉप 100 की सूची में नहीं है। ऐसे में हम सबको इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है। शिक्षा और कृषि क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश के संपूर्ण समृद्धि की परिकल्पना संभव है। ये बातें प्रदेश के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार देर शाम जामताड़ा के मेझिया गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कही है। अगले महीने झारखंड दौरे पर आ सकते हैं राहुल गांधी। अगले महीने झारखंड दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आ सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड आगमन के लिए अपने दोनों नेताओं को निमंत्रण भेजा है। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री, भाजपा संगठन से जुड़े नेताओं का लगातार कार्यक्रम झारखंड में हो रहा है। ये लोग जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियां बता रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जहां संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहीं प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को झारखंड आने का आग्रह किया है। कोडरमा में प्रखंड स्तरीय रू आर बैक टू स्कूल को लेकर कार्यक्रम। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वाधान में बैक टू स्कूल को लेकर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को सदर प्रखंड मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में शिक्षा पूर्ण कराना है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रखंड प्रमुख सुषमा देवी ने कहा कि शिक्षा अमूल धरोहर है और बच्चे स्कूल पहुंचे इसके लिए समाज के हर तबके के लोगों को आगे आकर बच्चों का नामांकन कराने में सहयोगी देनी होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वीडियो रेशमा डुगडुग ने कहा है कि छात्रों का विद्यालय में नामांकन और ठहराव एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बैक टू स्कूल अभियान के जरिए हम गाँव गाँव और घर घर तक पहुँचकर बच्चों को स्कूल भेजने में प्रेरित करें। धनबाद डीआरएम पर हो कार्रवाई। झारखंड विकास मोर्चा के जिला संयोजक सह समाज सेवी रवि कुमार डे ने केंद्र सरकार से धनबाद डीआरएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। शुभम संदेश में छपी खबर पर रवि डे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने रेलवे अस्पताल के कर्मी बसंत उपाध्यक्ष के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है वह जघन्य है। इसके लिए डीआरएम पर न सिर्फ विभागीय वरन कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सिमडेगा में महिला को सांप ने काटा, झाड़ फूक के चक्कर में मौत। झारखंड के सिमडेगा जिले में ओड़ंगा ओपी क्षेत्र के टोनिया बुच्चा टोली निवासी सुकरमानी बाघेला 45 वर्षीय की मौत सांप काटने से हो गई। घटना शुक्रवार रात की है। बताया गया है कि सांप काटने के बाद काफी देर तक झाड़ फूंक की गई। बाद में स्थिति बिगड़ने पर सुबह हॉस्पिटल ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक के पति ने बताया है कि रात को वह जमीन पर बिस्तर बनाकर सोई थी, इसी दौरान जहरीले करैत सांप ने उसकी पत्नी को डस लिया। घटना की जानकारी के बाद जलडेंगा अंचल अधिकारी डॉक्टर खगेन महतो ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग देकर शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।